विश्वास, विश्वासघात और आघात की कथा। जोगेंद्रनाथ मंडल भारत की स्वतंत्रता के पूर्व दलितों के एक प्रभावशाली नेता थे। उनका आजीवन लक्ष्य था पूर्व बंगाल के बिछड़े हुए हिंदुओं की उन्नति। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से बहुत प्रभावित थे। कांग्रेस से नेताजी को 1940 में निकाले जाने पर मंडल ने मुस्लिम लीग के साथ राजकीय संबंध स्थापित किया। उस समय मंडल को मुस्लिम लीग और दलितों की उन्नति का एक ही मार्ग है ऐसा दिखाई दिया। भारत के विभाजन के समय मुस्लिम दंगाखोरों के सामने हथियार उठाने से उन्होंने दलित हिंदुओं को रोका। उन्होंने आसाम के जिले सिलहट के लिए किए जाने वाले रेफरेंडम में सिलहट के भारत के साथ रहने वाले प्रस्ताव के विरोध में मत देने को दलित हिंदुओं को प्रेरित किया। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण को अपना समर्थन दिया ये समझकर कि दलित हिंदुओं का उसमें हित है। भारत के विभाजन के बाद वे पाकिस्तान के पहले लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बने, परंतु बहुत शीघ्र मुस्लिम दलित की एकता का उनका भ्रम टूट गया। धनवान हिंदुओं के पाकिस्तान से स्थानांतर के पश्चात पाकिस्तान में दलित हिंदुओं की ओर अत्याचार की वृद्धि होने लगी। पूर्व पाकिस्तान में दलित हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर उन पर आक्रमण होने लगे। उस कारण स्थानांतर की दूसरी लहर उठने लगी। जोगेंद्रनाथ मंडल स्वयं पाकिस्तान से 1950 में पलायन होकर भारत लौट गए। अपने त्याग पत्र में उन्होंने हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे अत्याचार, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और भारी संख्या में हिंदुओं की हत्या जैसे गंभीर आक्षेप पाकिस्तानों पर लगाए। पश्चिम बंगाल में 1968 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी ये यात्रा इस तथ्य को सिद्ध करती है कि जय भीम जय मीम विचार अवास्तविक है। जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर जानते थे कि मुस्लिम दलित एकता संभव नहीं है, जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारी कीमत चुकाकर ये जाना। 30 लाख हिंदुओं के जाति संहार के पश्चात जिसमें ज्यादातर दलित थे, भारत के लोग आज भी ममता, मायावती और अखिलेश जैसे नेताओं का समर्थन करते हैं और उसी भूल का पुनरावर्तन कर रहे हैं जो जोगेंद्रनाथ मंडल ने की। इतिहास से सीखो, विवेक से वोट दो। जय भारत, जय हिंद।